Now let us understand what epsilon is. So we have force is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square. And if we see that 1 upon 4 pi epsilon naught, मैं कई बार लिख चुका हूँ, it is 9 10 power 9 for air. So epsilon naught की वैल्यू जो आप सॉल्व करके निकाल के लेके आएंगे कितने, 1 upon 4 pi into 9 10 power 9, वो निकल के आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और जो इसकी यूनिट थी वोल्टी हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. एंड ये नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी यूनिट जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि के की सिर्फ वैल्यू काफ़ी होती है, जो कि हमने बताया 9 10 पावर 9 है, इसकी यूनिट का कोई लेन देना नहीं है. दूसरी बात, ऐसी यूनिट्स को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ऐसी यूनिट्स को फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. पर हमारा मुद्दा अब ये है कि आखिरकार परमिटिविटी है किस बला का नाम और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, ये है क्या. इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे हम, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें बताना ज़रूरी है आपको, तभी आपको परमिटिविटी समझ में आएगा. तो अभी मैं आपको दो तीन चीज़ बताता हूँ कि ये किस टॉपिक को समझने के बाद आपको मैं समझाने की सिचुएशन में आ जाऊँगा. जैसे कि मैं आपको बताऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मुझे एक्सप्लेन करना होगा, गॉस थ्योरम मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा, और इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं परमिटिविटी को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. तब तक के लिए आप इसको सिर्फ एक मीडियम की प्रॉपर्टी मान के चलें, ठीक है. सो वी विल बी डूइंग इट लेटर व्हेन वी आर डन विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डन विद गॉस थ्योरम. एंड द मोमेंट आई विल राइट गॉस थ्योरम इन फ्रंट ऑफ यू इन द पेज, दैट वेरी मोमेंट आई विल कम बैक टू परमिटिविटी. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज इन नन ऑफ द बुक्स परमिटिविटी हैज बीन एक्सप्लेन्ड, नॉट इवन अ वर्ड अबाउट इट हैज बीन रिटन. So we do not know what permittivity is when we study any book out in the market. So we have to understand what permittivity is.